सहरसा में पिछले दिनों विश्वकर्मा वंशज वकील लीलाधर शर्मा के ऊपर हुए जानलेवा हमला और गोलीकांड के विरोध में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ ने जन आक्रोश मोर्चा निकाला। यह मार्च सुपरमार्केट से होते हुए एसपी ऑफिस तक निकाला गया, जिसका नेतृत्व महासंघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रघुनंदन शर्मा ने की। इस जन आक्रोश मार्च में सैकड़ों विश्वकर्मा वंशजों ने शामिल होकर लीलाधर शर्मा को न्याय दिलाने के लिए अपनी एकजुटता दिखाई। इस मौके पर उपस्थित भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद ने सरकार और प्रशासन के प्रति अपना आक्रोश दिखाते हुए कहा कि कब तक हम विश्वकर्मा वंशज ऐसी घटनाओं का शिकार होते रहेंगे। आए दिन विश्वकर्मा समाज पर देखा जा रहा है, बहुत लंबे अरसे से हर महीने में 35 से 40 घटनाएं होती है। कभी सुनार भाइयों का दुकान लूट लिया जाता है, कभी उनकी हत्या कर दी जाती है। अभी लीलाधर शर्मा को 5 दिन पहले गोलियों से छलनी कर दिया गया, उनका दोनों हाथ पैर तोड़ दिया गया। आए दिन विश्वकर्मा समाज पर पूरे बिहार में अत्याचार हो रहा है। उस कड़ी में देखा जा रहा है कि सहरसा में भी बहुत हमारे विश्वकर्मा समाज के लोगों पर तरह तरह के अत्याचार हो रहा है। उनका जमीन हड़प लिया जा रहा है, उनके मकान पर कब्जा कर लिया जा रहा है। जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको आवाज़ को कुचलने के लिए नए सामंत लोग उन पर तरह तरह के अत्याचार करते हैं। उनको अभी रेप कर दिया जाता है, कभी जला के मार दिया जाता है, तरह तरह की घटनाएं हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं प्रशासन से, बिहार सरकार से, बिहार की विश्वकर्मा समाज पर हो रहे अत्याचार को बंद किया जाए, वरना पूरा का पूरा विश्वकर्मा समाज आगे आने वाले समय में पूरे देश में और पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज बिहार बंद का ऐलान करेगी। अगर इनको एक सप्ताह के अंदर न्याय नहीं मिलता है, पूरा सहरसा शहर को जाम कर दिया जाए। सर, अभी आक्रोश मार्च निकाला गया आपके द्वारा।